जी ये मुंबई का विंटर है जो जिसमें विंटर जैसी कोई बात नहीं है फिलहाल, काफी गर्मी है. कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंड था. काफी अग्रेसिवली मतलब फिल्म के लिए लगे हुए हैं आप? सर फिल्म ही अग्रेसिव है, प्यार प्यार प्यार, मार मार मार, एक्शन लव स्टोरी है तो अग्रेसिव तो होना पड़ेगा. बहुत पसंद करें तो इस बार आप मतलब जो बाप ऑफ रियलिटी शोज है, जो एक्चुअल में जो पहला डांस रियलिटी शो था टेलीविजन, उस पर आए हैं मूवी मूवी पर जी. रीलॉन्च हो रहा है शो, तो उसके बारे में बताइए. विद द देवा ऑफ डांस प्रभु देवा, मैं दर्शन करने आया हूँ बूगी वूगी के, जहाँ प्रभु देवा आ रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा. बहुत मज़ा आएगा. मैं बहुत पसंद करता हूँ प्रोग्राम को और कितने सालों से देख रहे हैं हम लोग बूगी वूगी. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. डांस इज समथिंग विच आई लव, सो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. काफ़ी मतलब आपके मतलब बचपन के समय शुरू हो गया था ये शो या मतलब उसके बाद में शुरू हुआ, कभी इच्छा जाए? मेरा तो बचपन ही चल रहा है सर, अभी तक मैं बच्चा ही हूँ. लोग तो कहते हैं जवान आने की कोशिश. बीच में डिस्टर्ब मत करो, मतलब उनका रिदम टूट जाएगा. जी सर. मतलब अभिनेत्रियाँ कहती हैं कि आपकी भरपूर जवानी है इस समय. अच्छा, कौन सी अभिनेत्री ने कहा ये बताइए? सभी सभी. अच्छा, आप पर्सनली टच में रहते हैं सर? नहीं. तो कैसे पता आपको? दिख रहा है आपके हाव भाव, बाल वाल. थैंक यू, वेरी टच, थैंक यू. कैसे अनिया बोलिए, कैसी प्रतिक्रिया होती, क्या मन में लड्डू फूटते जब ऐसे आपको रिएक्शंस मिलते हैं? कि क्या रिएक्शंस? यही कि मतलब आप यहाँ आ गए तो मेरे मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए. आप यहाँ आए, इतने टाइम बाद मिले हम लोग, बहुत खुशी हुई. मैं शुभकामनाएं भेजता रहता हूँ सर. हाँ, मुझे टच करके फील होती है. प्रभु सर, आप फर्स्ट डांस शो, प्रभु आप यू हैव बीन नोन फॉर योर डांस ऑलवेज, और बुगी बुगी अपने आप में एक पायनियर शो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? या आई हैव बीन टू बुगी बुगी बिफोर आल्सो, इट्स माय फेवरेट शो, एंड आल्सो the first show for R. Rajkumar, we came and we are like starting, we are also part of it in the first show after so many years. Boogie Woogie, we are both are very happy to be here, and wherever I go my friends also. Today I told I'm going, we are going for R. Rajkumar promotion in Boogie Woogie. Boogie Woogie, it's coming, wow, great, it's my favorite. How many people said today? I met like three four people were like very excited, and also my friends Javed, Navid, Ravi is there. It's great to see them in this. I'm waiting for this show. हमें actually वही पूछ रही थी. अच्छा, पांच पांडव होंगे आज, उनके पीछे प्रतिस्पर्धा होगी, नावेद, जावेद, रवि, महान नर्तक शाहिद कपूर और आप देवा, तो क्या प्रतिस्पर्धा रहेगी, किस तरह से एटमोसफियर रहेगा इसका? अच्छा एटमोसफियर रहेगा. क्या क्या करने का सोचा है आप लोगों ने, मतलब कुछ ऐसा सोचा है कि किस तरह से फिल्म के सॉन्ग सुनने या क्या होंगे? ऑब्वियसली आर राजकुमार अब रिलीज़ होने वाली है 6 दिसंबर को, और हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हमें बताया गया है कि डेफिनेटली आर राजकुमार के गाने, गंदी बात, साड़ी के फॉल्सा, ये सब गाने होंगे यहाँ पे. और हम लोग को तो जब भी डांस करने को कहते हैं इन गानों पे, हम लोग डांस करते हैं बिकॉज आई लव द सॉन्ग्स. एंड बाकी आई थिंक स्पॉन्टेनियसली हम लोग इन्जॉय करेंगे शो को, और सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा परफॉर्मेंसेज देखने का, बिकॉज आई थिंक बहुत सारा टैलेंट ऐसे शोज़ में प्रमोट होता है, और बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, और कई बार ऐसे डांसर्स को देख के ऐसा लगता है दैट वी नीड टू ब्रश अप आवर स्किल्स, और बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं यहाँ पे लोग. तो आर अब हम लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े टेक्निकल हो गया. यस सर, हो गया छायाकार का जब ऑलरेडी सर. जावेद, नावेद एंड रवि, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर अगेन स्टार्टिंग दिस मेमोरेबल एंड पायनियर शो. थैंक यू वेरी मच. ये शाहिद और देवा आए हैं यहाँ पे, मतलब
एक खास नर्तक है हमारे शाहिद कपूर और डांस के देवा जावेद, आप कुछ प्रतिक्रिया दें इस पर? प्रतिक्रिया हम कुछ नहीं दे सकते हैं, जो भी देना है फिलहाल शो हमको दे रहा है, ये हमारे शो में आके हमको इज्जत दे रहे हैं और हमारी दुआएं इनकी इस फिल्म के साथ है कि इनका जो कॉम्बिनेशन हुआ है बहुत ही गजब का और पावरफुल कॉम्बिनेशन है एंड जो हमने प्रोमोज देखे हैं बहुत ही खूबसूरत और एक आई थिंक शायद के लिए भी एक फर्स्ट टाइम एक नया किस्म का रूप है एंड विच इज़ रियली शूटिंग इन बहुत अच्छा लगा एंड लुकिंग फैंटास्टिक और जो इनके जो दोनों ने साथ में किया है, दैट्स माइंड ब्लोइंग, वो जो जमीन पे लेट लेट छपर छुपुर छपर किया है, दैट वाज फैंटास्टिक, रियली माइंड ब्लोइंग. जी ताकि और लोग शो देखे, तो बूगी वूगी कैसा रहने वाला है, कितना चेंज होगा पुराने बूगी वूगी से अब बूगी वूगी जो इतने सालों बाद वापस आ रहा है? हम तो ये कहेंगे कि इट विल बी ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, बाकी सब दिल सही है, सोल वाइन नहीं, सोल द सोल अल्कोहल नॉट अलाउड, द सोल इज द सेम, जो इसकी रूह है शो की वो वही रहेगी, जो इज्जत मिलती है पार्टिसिपेंट्स को वही रहेगी, पार्टिसिपेंट्स की ढूंढने की मेहनत हमारी वही रहेगी, लेकिन और जो बाकी जो सहानुभूति एक्टर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आते हैं हमारे शो में तो एक एक्सचेंज हो जाता है कि उनको भी एक एक माध्यम मिलता है और हमें भी एक माध्यम उनके साथ मिल जाता है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट. और जो बच्चे आते हैं उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारे को हमें हमारे प्रोत्साहन करने के लिए हमारे लिए